वाकई वायरस अभी भी हमारे बीच है, हमें सतर्क और अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि महाराष्ट्र में भी कोविड टास्क फोर्स ने आशंका जताई है कि अनलॉक में कोविड नियमों की अनदेखी की गई तो एक दो महीने में महामारी की तीसरी लहर राज्य को अपनी चपेट में ले सकती है। दूसरी लहर में रिकॉर्ड तोड़ संक्रमण, बेहिसाब मौत को कौन भूल सकता है। अपनों को तड़पता देखने और उन्हें खोने का सदमा भला कौन भूल सकता है। दूसरी लहर में वायरस के डेल्टा वेरिएंट ने तबाही मचाई और अब उसके नए रूप यानी डेल्टा प्लस से डेंजरस थर्ड वेव आने की आशंका है। महाराष्ट्र में कोविड टास्क फोर्स ने आशंका जताई है कि अनलॉक में अगर कोविड नियमों की अनदेखी की गई तो एक से दो महीने में महामारी की तीसरी लहर राज्य को अपनी चपेट में ले सकती है और इसका जिम्मेदार होगा कोरोना का नया वेरिएंट डेल्टा प्लस। रिव्यू मीटिंग के बाद सीएम उद्धव ठाकरे ने तैयारी शुरू करने और बड़े पैमाने पर सीरो सर्वे करने का निर्देश दिया है। दवा, बिस्तर और ऑक्सीजन की कमी ना हो यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है, क्योंकि महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग का अनुमान है कि दूसरी लहर की तुलना में तीसरी लहर में मरीजों की संख्या और ज्यादा हो सकती है। पहली लहर और दूसरी लहर में एक्टिव केस के पीक आंकड़ों को बहुत पीछे छोड़ सकती है। तीसरी लहर में यह आंकड़ा 8 लाख के पार जा सकता है। इस फिक्र को और ज्यादा बढ़ाने वाली बात यह है कि इसमें 10% बच्चे हो सकते हैं। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को भूले नहीं, क्योंकि ये बिहेवियर तब तक चलेगा जब तक इस कोविड के मैनेजमेंट का कोई पूरा पक्का सलूशन नहीं निकलता है। अभी सलूशन नहीं निकला है, अभी केवल सेकेंड लहर कमजोर हुई है, तीसरी लहर आने की चेतावनियां मिल रही हैं। खतरा सिर्फ महाराष्ट्र नहीं बल्कि पूरे देश पर मंडरा रहा है, क्योंकि 7 जून तक दुनिया में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 63 मामले ट्रेस किए गए हैं। इनमें से 6 मामले भारत में पाए गए और ऐसा एक मामला मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी पाया गया है। यहाँ कोरोना संक्रमित के सैंपल में डेल्टा वेरिएंट पाए जाने की पुष्टि हुई है। भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज से इस महीने 15 सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे, इनमें से एक सैंपल में डेल्टा प्लस वेरिएंट मिला है। हालांकि जिस मरीज में वेरिएंट मिला है वो फिलहाल स्वस्थ है और उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है और अब उसकी हालत ठीक है। बताया जा रहा है कि वैक्सीन लगी होने की वजह से हालत गंभीर नहीं हुई और जल्द रिकवरी हो पाई। जो सबसे महत्वपूर्ण है कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी की जा रही है कि उनसे कौन कौन लोग मिले और कहीं किन्हीं और उनके परिवार में या उनसे कॉन्टैक्ट वाले लोगों में भी तो कहीं कोरोना का संक्रमण नहीं है, इसकी भी जाँच की जा रही है। डेल्टा प्लस को लेकर अब तक सामने आई रिसर्च को देखते हुए एक्सपर्ट्स तीसरी लहर ज्यादा घातक होने की बात कह रहे हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक अगर डेल्टा प्लस शरीर में पहुंच गया तो तमाम दवाओं को बेअसर कर सकता है। यहां तक अभी तक कोरोना की सबसे कारगर दवा माने जाने वाली मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कॉकटेल को भी फेल कर सकता है। इतना ही नहीं, आशंका है कि ये वैक्सीन से बनने वाली एंटीबॉडीज के असर को बहुत कम कर सकता है और तो और कोरोना संक्रमण से रिकवर हो चुके लोगों में मौजूद एंटीबॉडी को धोखा देकर उन्हें तेजी से दोबारा संक्रमित कर सकता है। ये वाला जो वायरस है ये ज्यादा चलाक वायरस हो गया है 2020 के मुकाबले में, तो उससे भी ज्यादा चौकसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, केयर, प्रिवेंशन, ये सब हमें करना पड़ेगा। संदेश साफ है, देश में कोरोना गाइडलाइंस का पालन सिंगापुर की तरह सख्ती से हो। क्यों? ध्यान से देखें, सिंगापुर में बगैर मास्क ट्रेन में सफर करना एक शख्स को महंगा पड़ा। ब्रिटिश मूल के एक शख्स की मास्क नहीं पहनने पर गिरफ्तारी हुई। यही नहीं, सार्वजनिक जगह पर कानून तोड़ने के आरोप में बेंजामिन ग्लिन का पासपोर्ट जब्त कर लिया गया और नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा। हो सकता है बेंजामिन ग्लिन को 6 महीने की जेल भी हो जाए। ऐसे में सिंगापुर में ग्लिन पर हुई कार्रवाई से देश को सीखने की जरूरत है, क्योंकि भारत के अनलॉक होते ही लोग बेपरवाह हो गए, ना चेहरे पर मास्क लगा है ना ही 2 गज की दूरी मान रहे हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।